नमस्कार, यह कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी, आप सबको सुना रही हूँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई लंबी कहानी नष्टनीर का दूसरा भाग। पहले भाग में अब तक आपने सुना कि धनाढ्य भूपति अपने शौक को पूरा करने में यूं मशगूल हुए कि अपनी नवविवाहिता पत्नी चारुलता की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। चारुलता भूपति के फुफेरे भाई और अपने देवर अमोल से साहित्य चर्चा में अपना वक्त बिताने लगती है। अब आगे, मन्मथ दत्त नया लेखक है, उसके लिखने का तरीका बहुत कुछ अमल से मिलता जुलता है। इसी कारण अमोल कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था, कभी कभी उसके लिखे विषय को छीन कर लापरवाही के साथ दूर फेंक देता था। आज जब अमोल के पैर की आहट सुनाई पड़ी, तब उसने जानबूझकर मन्मथ दत्त की पुस्तक को अपनी आंखों के सामने रखकर एकाग्र भाव से पढ़ना शुरू किया। अमोल बरामदे में आ पहुंचा। चारु ने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया, मानो उसने कुछ देखा ही नहीं। भाभी, क्या पढ़ रही हो? अमोल ने पूछा। चारू को निरुत्तर देख अमोल ने चौकी के पीछे पुस्तक को देख लिया और कहा, मन्मथ दत्त बेवकूफ है। ओह, तंग मत करो, मुझे पढ़ने दो, चारू ने कहा। चारू की पीठ के पास खड़ा होकर अमोल व्यंग्य भरे स्वर में पढ़ने लगा। मैं तृण हूँ, छोटा सा तृण हूँ, भाई रक्तांबर राजवेशवारी अशोक, मैं तृण मात्र हूँ। मेरे पास फूल नहीं है, छाया नहीं है, अपने मस्तक को मैं आकाश से नहीं उठा सकता। वसंत की कोयल मुझे आश्रय बनाकर कू के स्वर में संसार को उन्मत्त नहीं बनाती। तो भी भाई अशोक, तुम अपनी पुष्पांकुरित ऊंची शाखा से मेरी उपेक्षा मत करो। तुम्हारे पैर के नीचे मैं पड़ा हुआ तृण हूँ, इतने पर भी तुम मुझे तुच्छ मत समझो। इतना ही भाग उस पुस्तक से पढ़कर अमोल लेखक को बेवकूफ बताते हुए कहने लगा, मैं केले का झोंप हूँ, कच्चे केले का झोंप, भाई कोहरा, घरों के मचानों पर विहार करने वाले कोहरा, मैं एकदम ही कच्चे केले का झोंप हूँ। चारू कुतूहल के आवेश में अपने क्रोध को दबा न सकी, हंसकर उठी और पुस्तक फेंक कर बोली, अपनी लिखी चीज के अलावा तुम्हें और किसी का लिखा अच्छा क्यों नहीं लगता? तुम्हारी बड़ी उदारता कि तृण पाने पर भी उसे निगल जाना चाहती हो, अमोल ने कहा। अच्छा जी, मजाक करने की जरूरत नहीं है, जेब में क्या है बाहर निकालो। क्या है, तुम स्वयं ही अनुमान लगा लो, अमोल ने कहा। बड़ी देर तक चारू को चिढ़ाकर अमोल ने जेब से सरोरूह नामक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका निकालकर उसके सामने रख दी। चारू ने देखा, उस पत्रिका में अमोल का वो खाता वाला निबंध प्रकाशित हुआ है। यह देखकर चारू चुप हो गई। अमोल ने सोचा कि उसकी भाभी बहुत खुश होगी, किंतु खुशी के लक्षण ना देखकर उसने कहा, सरोरूह पत्रिका में मामूली लेखकों के लिए प्रकाशित नहीं होते भाभी। अमोल ने यह बात बढ़ा चढ़ाकर कही थी, जबकि यह पत्रिका किसी तरह का भी लेख पाने पर संपादक उसे नहीं छोड़ते थे। किंतु अमोल ने चारू को समझाकर कहा, इसके संपादक बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, 100 लेखों में से एक को ही चुनते हैं। यह सुनकर चारू खुश होने का प्रयत्न करने लगी, परंतु खुश न हो सकी। किस चीज से उसके मन में चोट लगी, उसे पलटकर देखने का प्रयत्न किया उसने, परंतु वो कारण ना जान सकी। अमोल की लिखी सभी चीजें अमोल और चारू दोनों की सह संपत्ति है। अमोल लेखक है और चारू है पाठक। उस बात को गुप्त रखने में ही उसकी प्रधानता है। उस लेख को सभी पढ़ेंगे और सभी उसकी प्रशंसा करेंगे, इससे प्रसन्न तो होना ही चाहिए, पर अपनी इस उपेक्षा का कारण वह स्वयं न समझ सकी। किंतु लेखक की आकांक्षा एक ही पाठक से नहीं भरती। अमोल अपनी रचनाएं छपवाने लगा, अब उसकी प्रशंसा भी होने लगी। बीच बीच में अमोल के पास कई रमणियों के गुमनाम पत्र भी आने लगे थे।
उस हाल में चारू कुछ हंसी मजाक कर बैठती पर उसे सुख नहीं मिलता। हठात उसकी कमेटी के बंद दरवाजे को खोलकर पाठक मंडली उन दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई थी। भूपति ने एक दिन अवसर पाकर फुर्सत के समय कहा, चारू हम लोगों का अमोल इतना अच्छा लिख भी सकता है, यह बात मुझे नहीं मालूम थी। भूपति के मुख से अमोल की प्रशंसा सुनकर चारू बहुत प्रसन्न हुई। अमोल भूपति पर आश्रित है किंतु अन्य आश्रितों में और उसमें बहुत अंतर है। इस बात को भूपति अच्छी तरह समझते हैं। इनके द्वारा अमोल की प्रशंसा सुनकर वह गर्व का अनुभव करती। उसका भाव यही था कि अमोल को मैं किस लिए इतना स्नेह आदर करती हूँ, इतने दिनों के बाद तुम समझ सके। मैंने बहुत दिनों पहले ही अमोल की प्रतिभा जान ली थी। अमोल किसी की अवज्ञा का पात्र नहीं है। तुमने उसके लिखी कोई रचना पढ़ी है, चारू ने भूपति से पूछा। नहीं, अच्छी तरह तो नहीं पढ़ी है, समय नहीं मिला, किंतु हम लोगों का निशिकांत पढ़कर प्रशंसा कर रहा था। वह लेखों का मर्म भली भांति समझता है, भूपति ने कहा। भूपति के मन में अमोल के प्रति एक तरह से श्रद्धा के भाव जग उठे। यही तो चारू की आंतरिक इच्छा थी। भूपति को अखबार में लेख लेने वालों के लिए 5 तरह के पुरस्कार देने की बात समझा रहा था, किंतु पुरस्कार देकर किस तरह नुकसान की पूर्ति होकर लाभ हो सकेगा, यह बात भूपति को उमापति बिल्कुल ही नहीं समझा पा रहे थे। चारू उस कमरे में प्रवेश कर उमापद को वहां बैठा देखकर वापस लौट गई। फिर थोड़ी देर तक इधर उधर मन बहलाकर कमरे में गई तो देखा दोनों मिलकर हिसाब किताब के सिलसिले में आपस में बहस कर रहे हैं। चारू की व्याकुलता देखकर उमापद किसी बहाने से कमरे से बाहर चला गया। भूपति हिसाब लेकर विचार मग्न हो गया। अभी शायद तुम्हारा काम समाप्त नहीं हुआ, रात दिन एक समाचार पत्र को लेकर तुम्हारा समय कैसे कटता है, मैं यही सोचकर परेशान रहती हूँ, चारू ने कमरे में प्रवेश करते हुए पूछा। भूपति हिसाब को एक तरफ रखकर मुस्कुराया और कुछ देर तक मन ही मन सोचा, सच है चारू की तरफ ध्यान देने का मुझे समय ही नहीं मिलता, यह तो बहुत ही अन्याय हो रहा है। इस बेचारी के पास समय व्यतीत करने का कोई साधन नहीं है। आज तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई, शायद मास्टर साहब भाग गए हैं, तुम्हारी पाठशाला के सभी नियम उल्टे हैं, छात्रा पोथी पत्रा लेकर तैयार है और मास्टर साहब गायब। आजकल अमल तुमको पहले की तरह नियमित पढ़ाता है, मुझे ऐसा नहीं मालूम हो रहा है, भूपति ने स्नेह भरी आवाज में चारू से कहा। अपने स्वयं के पढ़ाने में लगाकर अमोल का कीमती समय नष्ट करना क्या उचित है? तुमने अमोल को मामूली प्राइवेट ट्यूटर ही समझ लिया है क्या, चारू ने उलाहना देते हुए कहा। उसे क्या मालूम प्राइवेट ट्यूटरी किसे कहते हैं, तुम्हारे जैसी भाभी पाकर यदि मुझे भी पढ़ाने का मौका मिलता तो इस हालत में, भूपति ने चारू को पास खींच कर कहा। बस बस तुम कुछ और ना बोलो, पढ़ा लिखा पति पाकर भी मेरे लिए पति के कॉलेज में अपने स्वार्थ की बातों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, चारू ने कहा। अच्छा कल से मैं अवश्य तुम्हें पढ़ाना शुरू करूंगा, जरा अपनी पुस्तकें लाओ देखूं क्या पढ़ती हो, भूपति ने कुछ घायल होकर कहा। बहुत अच्छा, तुमको मुझे और पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इस समय आप जो कर रहे हैं वही ठीक है, पढ़ाने लगोगे तो क्या उस हालत में अपने अखबार का हिसाब किताब रख पाओगे। ठीक ही कहती हो, इस समय तुम मेरे मन को जिधर भी घुमाना चाहोगी उधर घूम जाएगा, भूपति ने कहा। अच्छा तो अमोल को इस लेख के बारे में पढ़कर देखो, ठीक लिखा है क्या, चारू ने कहा। सुनकर भूपति ने कुछ संकोच के साथ पत्रिका हाथ में ले ली, खोलकर देखा तो लेख का शीर्षक था आषाढ़ का चांद। गत 2 सप्ताह से भूपति भारत सरकार के बजट की समालोचना के बारे में बड़े बड़े आंकड़े तैयार कर रहा था।
ये सभी आंकड़े बहुपति कीट की भांति उसके मस्तिष्क के बीच चक्कर लगा रहे थे। ऐसे समय में अचानक बांग्ला भाषा में लिखा हुआ आषाढ़ का चांद शीर्षक लेख पूरा पढ़ने के लिए उसका मन तैयार नहीं हुआ। निबंध बहुत छोटा भी नहीं था। लेख इस तरह आरंभ हुआ था, आज आषाढ़ का चांद क्यों सारी रात बादल के बीच से छिपता हुआ घूम रहा है, मानो स्वर्गलेख लोक से कोई दूसरी चीज चुरा कर लाया है, मानो अपना कलंक छिपाने का कोई उपयुक्त स्थान नहीं है। फाल्गुन के महीने में जब आकाश के किसी कोने में मुट्ठी भर बादल भी नहीं था, तो संसार की आंखों के सामने उसने निर्लज्ज की भांति स्वतंत्र आकाश में अपने को प्रकट किया और आज उसका शिशु स्वप्न की भांति व विहसना पिया की स्मृति की भांति बहुत अच्छा लिखा है, किंतु क्या यह सब कवित्व भाव में समझ सकता है? भूपति ने सिर खुजलाकर कहा। तब तुम क्या समझते हो? चारू ने चंचल होकर भूपति के हाथ से कागज छीन कर कहा। मैं भी इसी संसार का मनुष्य हूं और मनुष्य को समझता हूं, भूपति ने कहा। मनुष्य की बातें मानो साहित्य में लिखी ही नहीं रहती, चारू ने कहा। भूपति ने इस पे जवाब दिया, गलत लिखी जाती हैं। इसके अलावा जब मनुष्य शरीर मौजूद है तब बनावटी बातों के बीच उसे खोजते रहने की क्या आवश्यकता है, कहकर चारुलता का टुड्डी पकड़ उसने कहा, मैं तुमको जितना समझता हूँ उसकी पुष्टि के लिए क्या मेघनाथ वध कवि कंक के चंडी आद्यांत पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी? काव्य समझ नहीं सकता, यह कहकर भूपति गर्व महसूस करता था, किंतु फिर भी अमोल की लिखी हुई चीज अच्छी तरह पढ़ने पर भी उसके प्रति भूपति के मन में एक प्रकार की श्रद्धा थी। भूपति सोचता, बतलाने समझाने की इसमें कोई भी बात नहीं है, तथापि इतनी बातें निरर्थक बनाकर कहना, इस प्रकार का काम तो सिर पटक कर मर जाने पर भी मुझसे नहीं हो सकता। अमोल के मस्तिष्क में इतनी शक्ति है, यह कौन जानता था? भूपति अपनी रसज्ञता को अस्वीकार करता था, किंतु साहित्य के प्रति उसके मन में कंजूसी नहीं थी। यदि कोई दरिद्र लेखक उससे मिलता और उसकी पुस्तक छपवाने का खर्च भूपति उसे दे देता, केवल विशेष रूप से यह कह देता कि देखना या किसी को समर्पित ना की जाए। बांग्ला भाषा के छोटे बड़े सभी साप्ताहिक और मासिक पत्र, प्रसिद्ध पाठ, सभी पुस्तकें वह खरीद लेता और कहता, एक तो पढ़ना ही नहीं, फिर यदि ना खरीदूं तो पाप भी करूंगा, प्रायश्चित भी ना होगा। पढ़ना नहीं था, इसीलिए बुरी पुस्तकों के प्रति उसके मन में लेश मात्र का भी द्वेष भाव नहीं था। उसकी लाइब्रेरी बांग्ला पुस्तकों से भरी पड़ी थी। अमोल भूपति की अंग्रेजी प्रूफ देखने में मदद करता था। किसी एक कॉपी में कठिन लिखावट को दिखाने के लिए उसने कागजों का ढेर लेकर कमरे में प्रवेश किया। अमोल, तुम आषाढ़ का चांद और भादो मास के पके ताड़ पत्र पर जितनी इच्छा हो लिखो, मैं उस पर आपत्ति नहीं करता। मैं किसी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालना चाहता, किंतु मेरी स्वाधीनता पर हस्तक्षेप क्यों? वह तो उन सबको मुझे बिना दिखाए चैन न लेगी। तुम्हारे भाभी का ये मुझ पर यह कैसा अत्याचार है, भूपति ने हंसकर कहा। भाभी, मेरे लिखे हुए विषयों को लेकर तुम जो भैया पर इस तरह जुर्म करने का उपाय ढूंढ निकालोगी, यदि यह मुझे मालूम होता तो मैं लिखता ही नहीं, अमोल ने हंसकर चारू से कहा। साहित्य रस से सुन भूपति के पास अपनी अत्यंत मेहनत से लिखे हुए लेखों को लाकर इस तरह अपमानित करने से अमोल चारू पर मन ही मन नाराज हुआ और तुरंत ही इस बात को समझ कर चारू के मन में बहुत पीड़ा भी हुई। बात को दूसरी तरफ मोड़ देने की कोशिश में उसने भूपति से कहा, तुम अपने भाई का विवाह कर दो, उस हालत में तुम्हें लिखाई का उपद्रव नहीं सहना पड़ेगा। आजकल के लड़के हम लोगों की तरह मूर्ख नहीं है। अच्छा, तुम अपने देवर को विवाह के लिए तैयार कर लो, भूपति ने कहा। अमोल, मुझे इस अखबार के झमेले में व्यस्त रहना पड़ता है। बेचारी चारू बहुत अकेली पड़ गई थी, उसे कोई कामकाज भी नहीं है, बीच बीच में आकर मेरे इस लिखने के कमरे में झांक कर लौट जाती है, क्या करूं बतलाओ? अमोल, तुम उसे कुछ पढ़ने लिखने में व्यस्त रख सको तो बहुत अच्छा हो,
कभी कभी यदि अंग्रेजी काव्य का अनुवाद करके उसे सुना दिया करो तो बड़ा उपकार करोगे, उसे भी अच्छा लगेगा। चारू की साहित्य में विशेष रुचि है, चारू के चले जाने पर भूपति ने अमल से कहा था। हाँ, साहित्य में उनकी रुचि तो अत्यधिक है। यदि भाभी कुछ और पढ़ लिख लेंगी तो मुझे विश्वास है वे स्वयं बहुत अच्छा लिख सकेंगी, अमोल ने कहा था। उतनी आशा तो मैं नहीं करता, किंतु चारू बांग्ला लेखों की अच्छाई या बुराई मुझसे अधिक समझ सकती है, भूपति ने हंसकर कहा था। उनमें बहुत अच्छी कल्पना शक्ति है, प्रायः स्त्रियों में ऐसा गुण दिखाई नहीं पड़ता, अमोल ने कहा। पुरुषों में भी ऐसा गुण कम ही देखने को मिलता है, इसका गवाह मैं हूं। अच्छा, यदि तुम अपने भाभी को योग्य बना सको तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा, भूपति ने कहा था। क्या दोगे, सुन तो लूं, अमोल ने पूछा। तुम्हारी भाभी जैसी एक सुंदर दुल्हन तुम्हारे लिए ढूंढ कर ला दूंगा, भूपति ने खिंचाई करते हुए कहा। फिर उसे भी मुझे पढ़ाने लिखाने में लग जाना पड़ेगा, चिरकाल तक उसे योग्य बनाते रहते रहने में ही अपना समय बिताऊंगा। दोनों भाई आजकल की नई दुनिया के लड़के हैं, इसलिए कोई भी बात कहने में उन्हें लज्जित नहीं होना पड़ता। समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करके अमोल ने अपना मस्तक बहुत ऊंचा उठा लिया है। पहले वह स्कूल के छात्र की तरह रहता था, अब वह समाज के सम्माननीय लोगों की तरह हो गया है। कभी कभी वह सभाओं में साहित्यिक निबंध पढ़ता है, संपादक और संपादक के प्रतिनिधि उसके घर आकर बैठे रहते हैं, उसे निमंत्रित करके खिलाते पिलाते रहते हैं। तरह तरह की सभाओं के सदस्य सभापति बनाने के लिए उसके पास अनुरोध करने के लिए आते रहते हैं। भूपति के घर में दास दासियों और आत्मीय स्वजनों की नजरों में उसके सम्मानित पद का स्थान बहुत ऊंचा हो गया है। मंदाकिनी ने अब तक उसे कोई खास व्यक्ति नहीं समझा था, और चारू के हास्यपूर्ण वार्तालाप और आलोचना को वह बचपन का खेल समझकर उपेक्षा करती रहती थी तथा पान लगाने एवं घर के कामों में अपने आप को व्यस्त रखा करती थी। स्वयं को वह उनकी उपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ और संसार के लिए महत्वपूर्ण मानती थी। अमोल को बहुत अधिक पान खाने की आदत थी। मंदाकिनी पर पान लगाने का खर्च करने का भार था, इस कारण वह पान की बर्बादी से बहुत दुखी होती थी। अमोल और चारू षड्यंत्र रचकर मंदाकिनी के पान भंडार लूट लेने से बहुत प्रसन्न होते थे, और यह काम उनके लिए मनोरंजन का एक साधन था। किंतु इन दोनों शौकीन चोरों का यह परिहास मंदाकिनी को प्रसन्नतादायक प्रतीत नहीं होता था। असल बात तो यह है कि एक आश्रित दूसरे आश्रित को अच्छी निगाहों से कभी नहीं देखता। अमोल के लिए मंदा को जो अतिरिक्त काम करना पड़ता था उसमें वह अपना अपमान महसूस करती थी। चारू अमोल के पक्ष में थी, इसलिए वह मुंह खोलकर कुछ कह भी नहीं सकती थी, किंतु अमोल की अवहेलना करने की कोशिश वह बराबर करती रहती थी। अवसर मिलते ही दास दासियों को सुनाकर चुपके से अमोल की बुराई करने से बाज नहीं आती थी, वो लोग भी उसमें शामिल हो जाते थे। पर अब जब अमोल की प्रतिष्ठा में उसकी आशा से अधिक वृद्धि आरंभ हुई, तब मंदा को पता चला कि अब वह पहले वाला अमोल नहीं है। अब उसकी संकुचित नम्रता एकदम समाप्त हो गई है, अब उसे दूसरों की अवज्ञा करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। संसार में मान सम्मान प्राप्त करके जो पुरुष संयम रहित होकर स्वतंत्र रूप से अपना प्रचार कर सकता है, जिस मनुष्य ने एक निश्चित अधिकार पा लिया है, वह समर्थ पुरुष सहज ही में नारी को आकर्षित कर सकता है। जब मंदा ने देखा कि अमोल चारों तरफ से ही श्रद्धा पाने लगा है, तब उसने भी अमोल के ऊंचे मस्तक की तरफ मुंह उठाकर देखा। अब ऐसी स्थिति के आ जाने के बाद उसे पान चुराने की जरूरत नहीं रह गई। अमोल की लोकप्रियता बढ़ जाने से चारू का एक तरह से नुकसान हुआ, उसके षड्यंत्र का कौतुक बंधन छिन्न भिन्न हो गया। अब तो अमोल के पास पान स्वयं हाजिर हो जाता, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती।
इसके अलावा वे दोनों एक राय होकर मंदाकिनी को तरह तरह की युक्तियों में रखकर जिस आनंद का उपभोग करते थे वह भी नष्ट हो जाने की स्थिति में आ गई। उन्हें अब मंदा को अपने से दूर रखना मुश्किल हो गया। अमोल के मन में वह धारणा बन जाना कि चारु ही उसकी एकमात्र मित्र है, अब यह बात मंदा को अच्छी नहीं लगती थी। पहले की गई अवहेलना को ब्याज और मूल के साथ चुका देने के लिए वह उद्धत हो गई। इसलिए अमोल और चारु ज्यों ही परस्पर एक दूसरे के निकट आते त्यों ही मंदा किसी न किसी बहाने बीच में पहुंचकर ग्रहण लगा देती। उसमें यह आकस्मिक परिवर्तन देखकर अब उसकी अनुपस्थिति में जो उसका परिहास कर हंस लेते थे, अब वो आनंद मिलना भी चारु और अमोल के लिए कठिन हो गया। मंदाकिनी का इस प्रकार बिना बुलाए ही उनके बीच प्रवेश करना जितना कष्टकर चारु को लगता उतना अमोल को नहीं, यह बताने की कोई जरूरत नहीं है। विमुख रमणी का मन धीरे धीरे उसकी तरफ लौट रहा है। इससे वह मन ही मन इस प्रकार के कौतूहल का अनुभव करने लगा था, किंतु जब चारु दूर से ही मंदा को देखकर तीखे परंतु मृदु स्वर में कहती वह चली आ रही है, तब अमोल भी कहता हाँ देखो ना इसने तो तंग कर दिया है। दुनिया के अन्य सभी संसर्गों के प्रति असहिष्णुता प्रकट करने की उसे एक आदत सी पड़ गई। अमोल उसे अचानक क्या कहकर छोड़ देता। अंत में मंदाकिनी एकदम पास आ जाती तब अमोल बलपूर्वक सज्जनता दिखाकर कहता मंदा भाभी क्या आज तुमने पान के डिब्बे में कुछ गड़बड़ी का लक्षण देखा है? जब मांगते हो तुरंत ही मिल जाता है, तब भाई चोरी करने की क्या जरूरत है? भाभी पाने से चुरा कर लेने में ज्यादा सुख है, अमोल कहता। तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? पढ़ो ना भाई, रुक क्यों गए? मैं भी पढ़ना सुनना बहुत पसंद करती हूँ, मंदाकिनी कहती। इससे पहले पाठानुराग के लिए यश बखान करने की चेष्टा मंदा में कभी नहीं देखी गई थी, किंतु कालो ही बलवत्तर चारु की एकदम इच्छा नहीं होती कि अमोल नीरस मंदा के समक्ष कुछ भी पढ़े, और अमोल चाहता है कि मंदा भी उसके लिए खाली सुन लिया करे। अमोल ने कमलाकांत के दफ्तर की समालोचना लिखी है। वह क्या तुम्हारी? चारू ने मंदा को लक्ष्य करके पूछा। मानती हूं कि मूर्ख हूं, फिर भी सुनने से क्या एकदम ही ना समझ सकूंगी, मंदा ने कहा था। तब किसी दूसरे दिन की बात अमोल को याद आई। चारू और मंदा आपस में ताश खेल रहे थी। ऐसे ही समय अपना लेख हाथ में लिए अमोल खेल की बैठक में आ पहुंचा। वह अपना लेख चारू को सुनाने के लिए व्याकुल हो रहा था और खेल खत्म ही नहीं हो रहा था, यह देखकर वो चिढ़ रहा था। अंत में बोला भाभी तुम लोग खेलो, तब तक मैं अखिल बाबू को लेख सुनाऊं। चारू ने अमोल की चादर को खींचते हुए कहा ओहो बैठ जाओ ना, कहां जाते हो, कहकर उसने शीघ्र ही हार कर खेल समाप्त कर दिया। अब तुम लोगों की पढ़ाई शुरू होगी? ठीक है मैं जा रही हूं, मंदा ने कहा। क्यों तुम भी सुन लो ना बहन, चारू ने भद्रता दिखलाकर कहा। नहीं बहन मैं तुम लोगों की बातों को एकदम नहीं समझ सकती, मुझे नींद आने लगती है, कहकर असमय में ही खेल बंद हो जाने से मंदा बहुत क्रुद्ध होकर वहां से चली गई थी। वही मंदा आज कमलाकांत की समालोचना सुनने को तत्पर है। अमोल ने कहा अच्छी बात है तुम सुनोगी, यह तो मेरा अहो भाग्य है, कहकर पन्ना पलटकर उसने फिर से शुरू से पढ़ने का रुख दिखलाया। लेख के आरंभ में उसने कुछ रस संचारित किया था, उस अंश को छोड़कर पढ़ने की उसकी इच्छा नहीं हुई। तुमने तो कहा था कि जाह्नवी लाइब्रेरी से कुछ पुराने मासिक पत्र ला दोगे, चारू ने शीघ्रता से कहा। यह काम तो आज होना संभव नहीं है, अमोल ने जवाब दिया। आज ही के लिए तो तुमने कहा था अमोल, शायद भूल गए। भूलूंगा क्यों, अमोल ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। बहुत अच्छा तुम लोग पढ़ो, मैं जाती हूं,
और परेश को लाइब्रेरी में भेज दूं, कहकर चारू उठ खड़े हुए। अमोल को अनर्थ की आशंका महसूस हुई। मंदा मन ही मन समझ गई कि कुछ ही देर में चारू के प्रति अपने मन को खट्टा कर लिया। चारू के चले जाने पर अमोल उठ जाऊं या नहीं ऐसा सोचकर उधर उधर देख रहा था। मंदा ने कुछ मुस्कुरा कर कहा, जाओ भाई मनाओ जाकर। चारू ने क्रोध किया है, मुझे अपना लेख सुनाओगे तो बड़े फेर में पड़ जाओगे। इसके बाद तो उठकर चले जाना अमोल के लिए और भी कठिन हो गया। अमोल ने चारू के प्रति कुछ विमुख होकर कहा, क्यों फिर किस बात का, और तुरंत लिखित विषय फैलाकर पढ़ने का प्रयत्न किया। मंदा ने उसके लेख को दोनों हाथों से ढककर कहा, जरूरत नहीं भाई मत पढ़ो। यह कहती हुई वह आंसू रोककर वहां से अन्यत्र चली गई। उस दिन चारू कहीं निमंत्रण में गई थी। मंदा अपने कमरे में बैठकर बाल की रस्सी तैयार कर रही थी। भाभी कहकर अमोल ने कमरे में प्रवेश किया। मंदा यह अच्छी तरह जानती थी कि चारू के निमंत्रण में जाने का समाचार अमोल को अविदित नहीं है। उसने हंसकर कहा, अमोल बाबू किसकी खोज में आए और देख किसको लिया, ऐसा ही भाग्य है तुम्हारा। हाँ बाई तरफ का पुआल जिस तरह का है दाहिनी तरफ का भी ठीक उसी तरह का है। गधे के लिए दोनों ही समान आदर की चीजें हैं। यह कहकर अमोल वहीं बैठ गया। मंदा भाभी तुम अपने गांव की कोई प्रचलित कहानी सुनाओ तो। लेख का विशेष संग्रह करने के लिए अमोल सबकी सभी बातें बड़े चाव से सुना करता था, इसलिए अब वह पहले की तरह उसकी एकदम उपेक्षा नहीं करता। मंदा का मनस्तो व मंदा का इतिहास उसके लिए उत्सुकता का विषय हो गया है। उसका जन्म स्थान कहाँ है, उसका गांव कैसा है, बचपन में समय कैसे करता था, कब विवाह हुआ, आदि सभी बातें वह उत्सुक होकर पूछने लगा। मंदा के छोटे से जीवन चरित्र के संबंध में किसी ने आज तक इतनी उत्सुकता नहीं दिखाई थी। मंदा प्रसन्नता के साथ अपनी सभी बातें बताने लगी। बीच बीच में कहती, अरे ये मैं क्या कर गई, इसका कुछ भी ठिकाना नहीं। नहीं नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, कहे जाओ। अमोल उसके उत्साह को बढ़ाते हुए बोला। नष्टनीर कहानी का ये दूसरा भाग इतना ही। मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ। अभी आप भारती कुमारी की आवाज में सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर की लंबी कहानी नष्टनीर का दूसरा भाग। मिलते हैं अगले भाग के साथ। आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।